कहते हैं जो मुसीबतों से हार मान ले उसे कायर कहा जाता है, जो मुसीबत को ही अवसर बना ले उसे सफल इंसान कहा जाता है। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों को सजकर दिखाया है विदेश लौटे हमीरपुर जिला के स्नाही निवासी विपिन कुमार ने। विपिन कुमार और उसके चचेरे भाई ललित कुमार ने मिट्टी से ओवन बनाकर घर में ही पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। विपिन कुमार ने करीब 25 दिन पहले इस कार्य को प्रारंभ किया था, जो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विपिन कुमार प्रतिदिन 100 से 150 पिज्जा तैयार कर बेच रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया के कई देशों में जिंदगी ठहर सी गई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन अपने घर और अपनी माटी से किसे लगाव नहीं होता है, यही सोचकर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से हमीरपुर के सनाही का युवा विपिन कुमार घर लौट आया। मार्च के पहले हफ्ते घर पहुंच गया। इसी दौरान विपिन का चचेरा भाई ललित भी घर लौट आया। ललित अमृतसर के बागा बॉर्डर स्थित होटल में चीफ एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर कार्य कर रहा था, जबकि विपिन विदेश में होटल में बतौर मैनेजर सेवाएं दे रहा था। विपिन और ललित बताते हैं कि लौटने के बाद कुछ दिनों तक तो कर्फ्यू के कारण घर से निकलना ही कम हुआ। परिवार में पहुंचने का सुकून था, लेकिन ज्यों ज्यों लॉकडाउन बढ़ता गया तो रोजगार की चिंता भी सताने लगी। अनलॉक एक के बाद कुछ काम धंधा करने का मन बनाया, लेकिन एकदम इतना अधिक निवेश करना संभव नहीं था, इसलिए कुछ ऐसा करने की ठानी जिसमें लागत भी कम हो, गांव के आसपास मिलती भी ना हो और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि किसी का रोजगार भी प्रभावित ना हो। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विपिन कुमार ने पिज्जा बनाने का कार्य शुरू किया। वहीं इन युवाओं द्वारा निर्मित पिज्जा की जमकर तारीफ की जा रही है, और जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ कम लागत में भी उपलब्ध हो रहा है। विपिन कुमार ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ओवन की थी, जो काफी महंगे दामों में उपलब्ध होता है। महंगे दामों में ओवन न खरीद कर स्वयं मिट्टी का ओवन तैयार किया, जिसमें अब पिज्जा तैयार किया जा रहा है। विपिन ने कहा कि पिज्जा की अधिकतर सामग्री खुद तैयार करते हैं, सॉस भी खुद बनाते हैं, गाय के दूध से पनीर तैयार किया जाता है। इसके अलावा टमाटर और सब्जियां भी गांव में मिल जाती हैं। इस तरह ये पौष्टिकता के साथ साथ ये पिज्जा प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। जल्द ही जिला के अन्य स्थानों पर दुकानें खोली जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होना शुरू हो गई थी, महीना दो महीने के बाद तो हालत मतलब ये थी कि अब नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करना है, कभी रहे नहीं थे इस तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है, आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा, बनना है हमें अपने स्वावलंबन के लिए। मेरी मैनेजमेंट की बैकग्राउंड है, मेरे भाई ललित उनकी शेफ की बैकग्राउंड है, हम मिलके बैठे, हमने एक आइडिया निकाला कि हम कम से कम कॉस्ट में, बिकॉज पिज़्ज़ा अगर आपने खोलना है उसमें 3-4 लाख रुपये का लगता है सामान, एक ओवन ही आपके 90,000 से ऊपर का आ जाता है, तो हमने ओवन ही सबसे महंगी चीज़ है उसको ही हमने जीरो कर देना है। हम मिट्टी पे आए, हमने मिट्टी से लोकल मिट्टी ली, लोकल रेत ली, लोकल तोड़ी ली, उसी से ही बनाया हमने ये, और उसको बनाने के लिए हमारी लगी सिर्फ 2300 रुपये की इन्वेस्टमेंट। बाकी की चीज़ें हमारी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक ही हैं, हमने कोई ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं हुआ है, तो कॉस्ट नीचे रखनी थी। दूसरा ये है कि आपके न्यूट्रिशन इलेक्ट्रिक ओवन में इंटैक्ट नहीं रहते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो 250 से 350 डिग्री तक जाता है। उसमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको 10 से 15-12 मिनट लगते हैं। उस प्रोसेस में जो वेजिटेबल्स होती हैं उसकी सारी न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा क्ले ओवन है, इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि टेम्परेचर जाता है 450 से 500 डिग्री टेम्परेचर तक, तो इसमें पिज़्ज़ा पक जाता है बहुत जल्दी, वेजिटेबल ऊपर से पक जाती है और इनका जो जूस होता है वो अंदर बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, तो ये हेल्दी है। अशोक जी, हमारी चली कोई 10 या 12 पिज़्ज़ा से शुरू हुआ था, अभी हमें सिर्फ 25 दिन हुए हैं और 25 दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 100+ कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा अभी ये रिस्पांस मिल रहा है इस पिज़्ज़ा को, मैं तो नहीं चाहूँगा दोबारा जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो पैशन था एक बिजनेस का, और अपने हम ऑलरेडी 3 लोगों को रोज़गार दे चुके हैं, इसमें ये काउंटर तो चल रहा है, हमने दूसरा काउंटर ले लिया, आप ओवन देख सकते हैं, दूसरा ओवन बन रहा है, तैयार हो रहा है, ऑलरेडी हम 2 आदमियों को और रोज़गार दे चुके हैं वहाँ पर भी, 10 दिन के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं अपने भाइयों को और रोज़गार दे सकूं साथ में, इससे बेटर और क्या संदेश है। बाय नेचर वी आर सीकर्स नॉट बिलीवर्स, तो हमारा ये इंस्टिंक्ट है कि हम लोग खोज करते हैं,
मेरा युवाओं को संदेश यह है कि अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी अंतरात्मा में झांकें। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, उसको बाहर निकालें। कुछ ना कुछ सिंपल, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन सिंपलिसिटी में है। आप सिंपल से सिंपल चीज़ स्टार्ट करिए, आपका सलूशन निकलेगा। परेशान या डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन 100% है, आप अपने ऊपर। सर बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि मैं भी पिज़्ज़ा खरीदने आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि ऐसे से देसी तरीके से पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कुछ जुगाड़ करके पिज़्ज़ा बना रहे हैं यहाँ पे, किसी तरीके को मशीन यूज़ को मशीनरी को केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब देसी है। यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ ओवन है, लकड़ी से चला रहे हैं इसको, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। सुनिए मैं भी खरीदने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अपना रोजगार स्वरोजगार अपनाओ और इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई विपिन जी और ललित जी जो बाहर विदेशों में होटल में मैनेजर और चीफ सेफ के नाम से जाने जाते थे, वहाँ भी इनके नाम का डंका था। आज इन्होंने हमारे गांव में आकर एक अच्छी व्यवस्था से जो पिज़्ज़ा हट खोला हुआ है उसके द्वारा रोजगार को अपनाया हुआ है। तो मोदी जी के कहने पर जो बार बार कहते हैं कि अपना रोजगार अपनी स्किल से पैदा करो, वो इन्होंने इस गांव में आकर एक मिसाल पैदा की हुई है, जिसके कारण आज हर युवक को इस रोजगार का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपना स्वरोजगार अपनाना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है वो आगे जा सके। मैं यही कहूँगा कि जो विदेश में रहकर कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से अपनी कमाई धंधा सब को खो चुके हैं, आज वो युवक एक गांव में आकर इस गांव का मान और सम्मान बढ़ा